पहले टी शर्ट तो छोड़ के दे देता हूँ, पक्का फिर पक्का देता हूँ। सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब। ऑल राइट, सो है एवरी वन, दिस इज मी अरुण शर्मा और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। तो आज मैं जा रहा हूँ जम्मू बागे बहु में, वहाँ पे एक एक्वेरियम भी है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे हम। मैं रेडी हो गया हूँ, सब कुछ तैयार है, जाएंगे बस से और बस मिलेगी हमको MS से। सो के चलते हैं MS में। ओके, सो अभी हमें MS में, तो ये देख रहे हो आप MS में खड़ी होती है जम्मू की सारी बसेस। सो बस यहाँ से चलते हैं, फिर हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। सीट हमको हमारी मिल गई है, रास्ते में जितना भी व्यू दिखेगा सारा दिखा दूंगा और म्यूजिक का मजल और रोड का भी। सो मिलते हैं जम्मू पहुंच के। ओके, सो लेट्स गो। अभी हम पहुंच गए हैं जम्मू। मेरे कजन आ रहे हैं तो के लिए रुकते हैं, थोड़ा वीडियो में मदद कर देते हैं वो मेरी। वैसे जम्मू ऐसे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। वहाँ पे मुझे एक बस पॉइंट दिख गया, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं उनका। मेटाडोर में आ रहे होंगे वो, अभी कॉल करके पूछा था मैंने, तो बोल रहे घर से निकलने वाले हैं, तो बस वहीं पर चलते हैं। जम्मू में इतने लोग नहीं दिखते जितनी गाड़ियाँ दिखती। एक तो मास्क पहन के इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, मन तो कर रहा है खोल लूँ, बट ओके। सो यहाँ पे वेट करते हैं उनका, आ रहे होंगे वो, जैसे पहुँच रहे हैं मिलता हूँ मैं आपसे। So, काफ़ी टाइम के बाद आगे वो, इतनी देर लड़के कब से इतनी देर लगाने। ओए रुको, तेरी कहाँ से मिली है मेटाडोर, वहाँ पे रुका। इनके चक्कर में दो बार रोड क्रॉस करना पड़ रहा है, इतनी देर लगाई इन्होंने यार, कब से वेट कर रहा हूँ मैं इनका। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। लड़कियों की तरह तैयार हो रहे थे क्या? A few moments later. वो मेरी जिप बंद करना यार। मैं कुछ जाना? चल चल चल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो फाइनली बड़ी देर वेट करने के बाद मिल गई हमें, 3:30 तो यहीं पे बज गए हैं, वहां पे पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, तो चलो देखते हैं वहां पे। ओके, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाहु फोर्ट, काफी इंतजार करने के बाद पहुंच गए हैं। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, वेट दिख रहा होगा आपको। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आखिरकार पहुँच ही गए। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स भी हैं मेरे पीछे वो देखो, और काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स भी हैं, कुछ भी खरीद सकते हो आप, ब्रेसलेट्स वगैरह कुछ भी। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वो मांडा जू वाली,
तो तब आया था मैं लास्ट टाइम जम्मू, और अभी आ जाऊँगा। वैसे पूरा बारिश का मौसम था तो अभी भी बारिश होने ही लगी है। घर से निकला था मैं कोई 12 बजे और यहाँ पे पहुँच रहा हूँ 4 बजे। सो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स भी हैं जैसे आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हो अपने लिए। सो ये देखो मेरे बैग में आपको दिखाई दे रही होंगी सारी। हम भी प्रसाद ले लेते हैं, रुको वेट ले लें प्रसाद या नहीं। शूज भी रख लेते हैं, प्रसाद ले गया हमारे। कहाँ भाग रहा है भाई हमारा प्रसाद लेके? प्रसाद है हमारा नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओके सो आपको शूज और बैग जो भी आपने साथ में लाया होगा वो सब कुछ यहीं पे रखना पड़ेगा, और हमें मोबाइल भी अंदर नहीं लेने के जाने देंगे। सो अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता मैं आपको, बट बाहर का जितना भी है वो सब कुछ देख सकते हो आप। सो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, बट अंदर कैमरा और शूज़ वगैरह कुछ भी चप्पल चुप्पल कुछ नहीं लेके जाने देते। सो वो आपको किसी शॉप में या ऊपर खोलने पड़ेंगे या यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर खोलते हैं। सो ओके तो अभी आप सिनेमैटिक देखो, तब तक हम अंदर से होके आते हैं। It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. ओके
सो दर्शन हमने कर लिए अभी, और अभी हम जा रहे हैं नीचे भाग्य बहु। तो अगर आपने अंदर वाले दर्शन करने हैं तो वो आपको खुद आना पड़ेगा। बहुत सारी प्राचीन चीज़ें पड़ी हुई हैं अंदर, तो आप वो भी देख सकते हो। सो ज़रूर चक्कर लगाओ एक भाग्य बहु का आप भी। और रश भी काफ़ी कम है यहाँ पे। जब हम मानसर गए थे तो वहाँ पे काफ़ी रश था, लोगों की भीड़ की वजह से हमको बोटिंग भी नहीं मिली थी। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे। पहले टी शर्ट तो छोड़ के दे रहे।